भर भर के सिलेक्शन होगा साथियों, सच बता रहा हूँ। इस वैकेंसी में इतने ज्यादा मात्रा में आप लोगों का सिलेक्शन होगा कि कुछ कहने वाली बात नहीं है साथियों। 27,000 वैकेंसी सिर्फ आपकी ट्रेडमैन में रहने वाली है, उसके बाद आपकी 11 से 12,000 वैकेंसी MTS में रहने वाली है। इतना ज्यादा मात्रा में वैकेंसी रहेगी, उसके बावजूद अगर आप लोग ये कमेंट करते हैं कि फॉर्म भरना चाहिए कि नहीं भरना चाहिए, तो क्यों नहीं भरना चाहिए? अगर आप इंडियन आर्मी का सपना देखते हैं, आर्मी जॉब पाना चाहते हैं, तो आपके लिए वैकेंसी बहुत ही अच्छी वैकेंसी है साथियों। रही बात इसकी क्वालिफिकेशन की, तो 10th पास हो, 12th पास हो, ग्रेजुएशन पास हो, तो सबके लिए अलग अलग पोस्ट वाइज वैकेंसी है। और साथ ही साथ ITI वालों के लिए तो इसमें बहुत ही अच्छा मौका है साथियों, ITI वालों के लिए। और साथ ही साथ कुक की जो वैकेंसी रहेगी, या फिर ट्रेडमैन मेट की वैकेंसी है, स्टोर कीपर की जो वैकेंसी है, 10th पास 12th पास ग्रेजुएशन किए हुए जो भी कैंडिडेट है, सबके लिए अलग अलग वैकेंसी रहेगी। रही बात सैलरी की, तो साथियों 35,000 से सैलरी स्टार्ट होकर 1,00,000 रुपये तक की सैलरी पोस्ट वाइज अलग अलग है, जिसके बारे में जब भी विस्तृत नोटिफिकेशन जारी होता है आपको जानकारी दे दूंगा। रही बात फॉर्म कब से भराया जाएगा, उससे पहले एक बात बता दूँ जो पूछ रहे हैं कि वर्दी मिलेगी इंडियन आर्मी MES की वैकेंसी में, यानी कि इंडियन आर्मी मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस की वैकेंसी में, जो कि साथियों इंडियन आर्मी के साथ कंबाइन होकर ड्यूटी करती है, अपना इंडियन आर्मी के लिए ही ड्यूटी करती है, फिर कहें इंडियन आर्मी की तरह ही ड्यूटी करती है। तो साथियों इसमें नाम से ही क्लियर है आप लोगों को कि मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस है, तो जो इंजीनियरिंग से जुड़े काम है वो आपके लिए रहते हैं। तो इसमें जो ड्यूटी के समय आप लगभग सिविल ड्रेस में ही ड्यूटी करते हैं, लेकिन रही बात वर्दी के, तो जी हाँ साथियों इंडियन आर्मी की वर्दी बिल्कुल भी आपको पहनने का मौका मिलेगा, बिल्कुल भी आपको वर्दी मिलेगी, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो आपको बिल्कुल भी परेशानी होना, अगर आप इंडियन आर्मी भर्ती की तैयारी करते हैं, फिर इंडियन आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं, तो मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस की 41,822 पदों की ये विस्तृत जो भारी मात्रा में वैकेंसी निकली आपके लिए बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। आप इसकी तैयारी करते रहिए, सिलेबस वगैरह देख लीजिए ऑफिशियल वेबसाइट से जाके, और नहीं तो मैं एक वीडियो स्पेशल बना दूंगा। उसके बाद आप लोग अगर बात करें कि फॉर्म भरने की डेट, तो यार देखो फॉर्म भरने की डेट अभी भी क्लियर नहीं है, अब जब भी क्लियर होगा आपको निश्चित जानकारी दी जाएगी। टारगेट फिजिकल एकेडमी यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आशा करता हूँ दी गई जानकारी पसंद आएगी, जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलता हूँ नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।